देश की राजधानी दिल्ली में है और यहाँ पे एक भाई साहब दिखे जो टोपी पहने हुए और एक साइकिल लिए हुए हैं, तिरंगा झंडा लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो भी इंसान इंडिया गठबंधन को वोट डालेगा वो मेरी माँ और मेरा दुश्मन होगा। अब इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह बनी कि भाई साहब साइकिल लेकर के इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। भाजपा उसपा की तरफ से है क्या, कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं, होशियारपुर जिला। ये सब करने के लिए कौन बोला है? हमारे परमात्मा ने बोला है, भोले बाबा जी ने। क्या बोला है भोले बाबा? भोले बाबा जी ने बोला है ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलना है। भोले बाबा जी ने बोला है ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलना है तो सुख पाएंगे, चोर चोर के साथ चलेंगे तो आप सुख नहीं पा पाएंगे। आप कैसे तय कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले चोर हैं? तय करने की जरूरत क्या है? 70 साल तो कांग्रेस ने दिखा दिया अपना देश को तोड़ने के लिए, देश की आम जनता को, हमारी जो ती भैनों की अब सुरक्षा नहीं दे पाए, हमारे को अपने आप में सुरक्षा नहीं दे पाए। ठीक है, तो हमें आज भी इनके ऊपर क्या आस है हमारे आने वोट देने पे हमारी ती भैन सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, वो आप हमें पहले अपना परिचय बताइए और कहाँ से आए हैं, कितना दूर का रास्ता तय किए हैं? 450 किलोमीटर है। हाँ जी, कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से दिल्ली? हाँ जी। कितना दिन लगा आप? 3 दिन है। हाँ जी। और क्या रास्ते में क्या खाना पीना कैसे क्या हुआ? खाना पीना कुछ नहीं है, खाली पानी है, चाय है, दूध है। खाना भी नहीं खा रहे? नहीं, दूध और चाय पानी बस। मतलब देश की राजधानी आप पहुंचे ताकि देश के तमाम लोगों तक ये पहुंच सके कि इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देना। हाँ, क्योंकि जो है ना गांव का सरपंच भी होता है ना, तो उस गांव के सरपंच को भी चुने तो वो चुने जो सरपंच अपना देश के लिए अपने गांव के लिए विकास कर सके। ठीक है, तो हमें तो ये क्या है भाई, अपने देश के विकास की जरूरत है, देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री चुनना है हमें, तो प्रधानमंत्री भी ऐसा चुनते हैं जो ईमानदार हो, सच्चा सच हो, तो सच और ईमानदारी के साथ चलेंगे तो अपना सुखदायी सफर पाएंगे, अपना ती भैन भी सुख हो गई तो सुखी होगा, हम भी सुखी होंगे। ठीक है, ईमानदार कौन लगते हैं? मोदी जी। हाँ, आप मतलब 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं? नहीं, पानी ये पानी का बॉटल। हाँ, एक बार दिखाइए, एक बार कैमरा में से चाहेंगे, चप्पल भी लगता नहीं पहने? नहीं जी नहीं। साइकिल चला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसके तरफ लोग ना जाएं, अब पूरे देश को ये बात पता चले। हाँ, अपनी देश की जनता को क्या है वे जो घर से कभी बाहर निकले नहीं है, उन देशवासियों को मैसेज यही है कि आप इन लोगों के चक्रों में नहीं पड़ने का है जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है। चक्रों में पड़ना है तो भगवान की कृपा से जो मोदी जी सरकार आई हुई है उन्हीं को वोट डालो, अपने बच्चों का विकास करो, अपने ती भैन को सेव करो। एक बार हम चाहेंगे पूरे देशवासी, अगर मान लीजिए अब तक ये वीडियो उनके तक चला गया हो, लोग शेयर करके पहुंचा दिए हो, तो आप उनसे सीधे तौर पर क्या कहेंगे एक बार कैमरा में? सीधे तौर पर हमें यही है कि आम जनता इन गठबंधन वालों के साथ वोट ना डालें, वोट डाले तो सरकार वही चुने जो अपनी ईमानदार हो, सच्चाई पे चलती हो, हम देश की जनता से यही चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये बॉटल है पानी, इधर पाइप रखे हुए ताकि हवा निकल जाए। हाँ, पैचर मान लो हवा निकल जाए तो हम पंप से भर के अपना आगे निकल जाए। कांग्रेस से इतना नाराजगी है? नाराजगी इस कारण है 70 साल से इन्होंने देश को लूटा है, देश को दिया कुछ नहीं, देश की जनता पे इन्होंने विदेश की नीति चलाई है। आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। ये क्या क्या है इसमें? सोने उने के लिए सामान भी है क्या? इसमें क्या है? तो कपड़ा लीड़ा ही है। कपड़ा है, मतलब 3 दिन से है। हाँ, आज 3 दिन में रास्ता में कैसे क्या दिखा, कहाँ सोए? सोना वगैरह तो अपना क्या है आराम करने के लिए फुटपाथ, यहाँ भी कहीं थकावट होती थी फुटपाथ पे अपना आराम करते थे, 2 घंटे 1 घंटा आराम करते फिर निकल लेते थे। अच्छा, आप ऐसे कुछ काम करते होंगे ना? ये तो चलिए, आपने बोला कि इंडिया गठबंधन को नहीं देना वोट, इसलिए हम ये पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे ताकि देश के तमाम लोग तक ये बात पहुंचे, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप तक उन तक बहुत पहुंचा देंगे। लेकिन आखिरकार आप क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी? हाँ जी। गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। तो आपके बच्चे वगैरह हैं? नहीं, अभी शादीशुदा नहीं है। हाँ। आपके घर में फैमिली कौन? फैमिली माँ बाप है,
अपने भाई बहन है। फिर भी मतलब आप देश के लिए? हाँ, देश की जनता को क्या है, वे इन्होंने गलत प्रचार करा रहे हैं वे मोदी जी के खिलाफ, ठीक है। जो कि मोदी जी एक ईमानदार है, वो अटल है, ठीक है। ईमानदार अकेला ही जंग में जीतता है, जो चोर होते हैं वो इकट्ठे हो गए ईमानदार को हराने पे चले हैं। लेकिन आपने भाई साहब, आपने ये क्यों लिख दिया कि जो इंडिया गठबंधन को वोट देगा वो मेरा दुश्मन और मेरी माँ का दुश्मन होगा? हाँ, तो अपनी ती बहन का भी दुश्मन होगा। जो हमारी माँ का दुश्मन होगा ना, हमारी ती बहन का दुश्मन होगा ना, वो अपनी ती बहन का भी दुश्मन होगा जो इंडिया गठबंधन को वोट देगा। हाँ, क्या लगता है आपको कि लोग समझेंगे? समझेंगे, क्योंकि समझ भगवान ने देनी है। हम तो एक जरिया है, जरिए के द्वारा क्या है, हम आए हैं, समझते हैं ना। हमें भी जैसे आपका, आप आए हैं ना धरती पे, हमें भी ऐसे धरती पे भगवान ने भेज रखा है। क्योंकि सच के साथ चलेंगे तो सफर अच्छे से कट जाएगा। लेकिन खाना पीना नहीं खा रहे हैं, पानी पे चल रहे हैं, मतलब तो ये काफ़ी बड़ी बात है। भगवान की इच्छा से बड़ी बात क्या है, बड़े भी वो ही है। हम तो क्या है, एक तुच्छ है इंसान, एक तुच्छ है, मिट्टी के पुतले है। मिट्टी में जान पाने वाले तो परमात्मा है, समझते हैं ना। हम और आप एक मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी के पुतलों में जान पाने वाले एक परमात्मा है, ठीक है। तो उसी परमात्मा के दिया से हमारे को अन्न खाने के लिए मनाही कर रखी है उन्होंने। मोदी जी पे तो लोग कहता है कि मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए हैं, आप उसी मोदी जी के समय? महंगाई तो कांग्रेस के समय में भी थी। 70 साल में कभी देश बंद हुआ? 70 साल में कभी देश बंद हुआ? हुआ कभी बंद 70 साल में? अब 22 में बंद हुआ, बंद हुआ 2 साल। 2 साल में अक्सर सारी जनता बैठ के एक घर पे बंद करे, तो वो बोझ तो अपने पे ही पड़ेगा ना, तो उसका प्रभाव तो क्या है, वे कम हुआ। आप इंडिया गठबंधन का जब विरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मोदी का समर्थक ही होंगे। लेकिन यही एक जनता को जागरूक करना चाहते हैं भाई, जो कि चोर का समर्थन नहीं करने का है। जो चोर आज इकट्ठे हो गए ना, सारे 26 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई ना, उनको वोट देंगे, अपने बीवी बच्चे सब लोग धकेल देंगे नरक में, समझते हैं ना। हाँ, क्योंकि ये नरक से बचाना है तो ईमानदार को चुनो, देश को आगे ले जाना है तो ईमानदार को चुनो। ईमानदार कह रहे, ईमानदार राहुल गांधी भी कह रहे ईमानदार। ईमानदार तो अब सभी चोर सारे इकट्ठे क्यों हो गए फिर? जे मान लो ईमानदार होता, मान लो जे वो ईमानदार होता तो उनको नकारती क्यों जनता? जनता नकारती क्यों उनको? जे ईमानदार होते तो उनको नकारती क्यों जनता? पर्सनल दुश्मनी उसमें तो नहीं ना कांग्रेस का? पर्सनल जो आपका, मेरी माँ हो तो आपकी माँ, आपकी बहन मेरी बहन, ठीक है। जबकि उनको सेफ्टी नहीं थी, उनको सेफ नहीं थी, हमारे को सेफ नहीं थे, ठीक है। तो वो हमारे दुश्मनी थे ना। एक बार ना आप अपना नाम और अपने जगह का नाम बता करके कैमरा में लोगों को बता दीजिए कि मैं नाम हरमेश लाल है, तो जिला हुशियारपुर है, तहसील गढ़शंकर, हाँ, डाकखाना सूंगड़ा। वहाँ से आप दिल्ली आए? हाँ, दिल्ली। वापस जाएंगे? वापस पंजाब। वापस भी ऐसे बिना खाए? हाँ, पैसे खाए भी। आप देख सकते हैं पंजाब से ये शख्स है, पैर भी खाली पैर आपको दिख रहा होगा, नंगे पैर ये दिल्ली पहुंच गए देश की राजधानी में, ताकि ये बताया जा सके कि इंडिया गठबंधन को जो वोट देगा वो मेरा और मेरी माँ का दुश्मन होगा। आप बैनर में भी आपने देखा होगा, यही साइकिल से चला करके ये लगभग 3 दिनों में दिल्ली पहुँचे हैं, ताकि देश के तमाम लोगों तक ये बात पहुँच सके। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी, इनके पूरे काम को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।